दोस्तों आज हम बात करेंगे कि फीडबैक हमारे जीवन में किस तरीके से रोल अदा कर सकता है। दोस्तों आप लोगों ने टाटा सुमो का तो नाम सुना ही होगा। सुमो जो गाड़ी है जिस समय पहली बार इसका नाम रखा जा रहा था उसके बारे में ये उससे रिलेटेड बेसिकली ये कहानी है। कई सारे लोगों का मानना है कि सुमो जो गाड़ी है उसका जो नाम रखा गया है वो जैपनीज जो सुमो पहलवान होते हैं उससे लेके रखा गया है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। सुमो जो गाड़ी है उसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी, काफी इंस्पायरिंग स्टोरी है जो कि हम सभी को काफी कुछ सीखने में हमें हेल्प करेगा आने वाले समय में। जो आई एम श्योर, मुझे उम्मीद है कि इस स्टोरी के अंत तक आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी। उससे पहले मैं उम्मीद करूंगा कि आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। दोस्तों टाटा के जो एम्प्लॉय हुआ करते थे वो एक साथ लंच किया करते थे लंच आवर्स में, लेकिन सुमंत जो मोलगावकर साहब थे जो बेसिकली वो लंच आवर्स में अपने गाड़ी से निकल जाते थे और लंच आवर्स खत्म होने के बाद वो अपने ऑफिस में अगेन ज्वाइन कर लेते थे। लोगों का अक्सर ये कहना होता था कि सुमंत मोलगावकर साहब जो ऐसे व्यक्ति हैं जो कि टाटा डीलर जो मोटर के जो डीलर होते हैं उनसे फाइव स्टार होटल में लंच ऑफर कराते हैं और लंच इसलिए हमारे साथ वो नहीं करना पसंद करते हैं। लोगों का ये क्यूरियोसिटी थी कि ऐसा कौन सा हमारा डीलर है जो उनको डेली बेसिस पे लंच कराता है। तो अगले दिन उन्होंने क्या किया, एक स्क्यूटी को पीछे लगा दिया और वो देखे कि अपनी गाड़ी वो निकालते हैं, उसके पीछे स्क्यूटी की गाड़ी गई और सुमन साहब अपनी गाड़ी को रोके एक ढाबे पे और ढाबे पे बैठ के वो लंच ऑर्डर किया और जो भी वहां पे ट्रक ड्राइवर्स थे उनके साथ बैठ के वो लंच अपना शेयर करके खाना शुरू किया और फीडबैक लेना शुरू किया कि गाड़ी आपकी कैसी चल रही है, क्या चल रही है, और फीडबैक को जॉट डाउन किया और डेली वो अपना ऑफिस आके उसी रूटीन में डेली काम करना शुरू करते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या, उस फीडबैक पे काम करते थे और उसको इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचते थे और उस पर अमल भी करते थे। दोस्तों एक समय ऐसा आया जिस समय टाटा मोटर सबसे ऊंचाई पे आ गया और सबसे अधिक गाड़ियां उसकी सेल होने लगी। उसका रीजन और श्रेय सिर्फ और सिर्फ सुमंत मोलगावकर को ही जाता है। जिस समय टाटा सुमो जब गाड़ी बनी उस समय उसका नाम रखने की बारी है, चूंकि सुमंत मोलगावकर साहब नहीं थे इस दुनिया में, तो उनके नाम पे चूंकि उनके इस डेडिकेशन से इनके इंटरप्रेन्योरशिप को देखते हुए उनके लगन को देखते हुए सुमो सुमन मोल गावरकर के नाम से बेसिकली टाटा सुमो का नाम रखा गया। दोस्तों यही से जो सीखने वाली है जो मैं बात करता हूं सुमन मोलगावकर जी के फीडबैक से। फीडबैक वो लेते थे और उस पे फीडबैक को प्रसाद की तरह ग्रहण करते थे और उस पे काम करना शुरू करते थे। और एक समय ऐसा है जो कि उनके नाम से कहते ना कि एक एम्प्लॉय के लिए सबसे बेस्ट पार्ट यही कि उसके नाम से एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया गया। दोस्तों आज अगर मैं बात करूं आपसे तो बहुत सारे फीडबैक्स हमारे लाइफ में हमें देने वाले लोग मिलते हैं। हमारा सीनियर मिलता है, हमारा जूनियर मिलता है, हमारे रिलेटिव मिलते हैं, हमारे मींस कहते भाई बहन कोई भी हमें फीडबैक देता है, लेकिन हमारा वो फीडबैक हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है हमसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। वो कैसे, वो ये इस तरीके से कि अगर हमें कोई फीडबैक दे रहा है तो हम ये समझे कि ये इस फीडबैक से बेसिकली किसका फायदा होगा। अगर फायदा मेरा हो रहा है इसका मतलब ये फीडबैक हमारे काम का है और इसको प्रसाद की तरह ग्रहण करें। और प्रसाद में क्या होता है, जब हम ग्रहण करते हैं तो आदर सहित ग्रहण करते हैं और उसपे उस तरीके से माथे लगा के और उसको उस पे अमल करते हैं। दोस्तों सेम उसी तरीके से आपको मैं बताना चाहूंगा कि किसी के भी फीडबैक को अगर इस प्रसाद की तरह हमने लिया और उस पे अमल किया तो हमारी आने वाली लाइफ अपने आप सेटल हो जाएगी, जो भी लाइफ की इंस्पिरेशन है अपने आप पूरे होते चले जाएंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। थैंक्स अ लॉट, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, हैंड सैनिटाइज करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।